हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग अनबॉक्स जंक्शन के एक और एक्साइटिंग रिव्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेल, कोरोना के इस टाइम में आप में से काफी सारे लोग अपने घर से ही काम करते होंगे और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो अपने घर से ही स्टडी करते होंगे, तो उन सभी लोगों के लिए आज का प्रोडक्ट काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम क्रीनी फर्नीचर की ओर से आने वाला मल्टीपर्पज फोल्डिंग टेबल लेकर आए हैं और उसके साथ हम एमबीटीसी ब्रांड की ओर से कुशन के साथ आने वाली एक फोल्डिंग चेयर को लेकर आए हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं दोनों प्रोडक्ट को अनबॉक्स और रिव्यू करके आपको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके खरीदने लायक है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये मल्टीपर्पज फोल्डिंग टेबल अमेजोन से परचेस किया था और उसकी एमआरपी आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये 7200 रुपीस है, लेकिन हमें ऑफर में ये 3699 रुपीस में मिल गया है। हालांकि अमेजोन पे इसके प्राइस हमेशा अप एंड डाउन होते रहते हैं और एमबीटीसी की ओर से आने वाली ये फोल्डिंग चेयर भी हमने अमेजोन से ही परचेस की है। आप यहाँ पे देख पाएंगे इसकी एमआरपी 2499 रुपीस है, लेकिन हमें ये ऑफर में 1519 रुपीस में मिल गई थी। तो आप भी अमेजोन से इन दोनों प्रोडक्ट को एमआरपी से काफी कम प्राइस में परचेस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी क्रीनी फर्नीचर की ओर से आने वाले इस मल्टीपर्पज फोल्डिंग टेबल का अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अनबॉक्स कर लिया है। ये हमने ग्रे कलर का ऑर्डर किया था और इसमें ऐसे दो शेल्फ आते हैं, जिसमें से एक छोटा वाला शेल्फ आता है और एक बड़ा वाला शेल्फ आता है, और इसमें बड़े वाले शेल्फ में हमें टेबलेट होल्डर भी मिलता है। चलिए अभी इस टेबल को आप आसानी से ओपन कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टेबल को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एक हैंडल दिखाई दे रहा होगा, ये पीछे दिया हुआ है, तो इस हैंडल को आपको आगे से खींचना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आप इसे कैसे खींचेंगे। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हमने टेबल रखा है और आगे की तरफ से पहले आप ये जो नीचे वाला शेल्फ है उसे ऊपर कीजिए, उसके बाद हमने जो आपको पीछे हैंडल दिखाया था उसे नीचे से पकड़िए, ये देखिए कुछ इस प्रकार, और उसके बाद आपको उसे सिर्फ खींचना है, आगे की तरफ खींचना है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से आप खींच सकते हैं और ये टेबल आपका ओपन हो चुका है। ये देखिए, ये काफी अच्छी क्वालिटी का टेबल है और ये ग्रे कलर और ब्लैक कलर काफी अच्छा लगता है। ये जो दोनों शेल्फ दिए हुए हैं ये काफी अच्छे वुडन मटेरियल में से बनाए हुए हैं और बीच में आपको टेबलेट होल्डर दिख रहा है वो प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है और इसके अंदर आपको होल दिखाई दे रहा होगा, ऐसे तीन होल यहाँ पे दिए हुए हैं, वो वायर को पास करने के लिए है, मतलब कि आपका टेबलेट आपने यहाँ पे रखा रहेगा और वो अगर चार्जिंग में रहेगा तो वायर आप वहां से पास कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इसके डायमेंशंस बता देता हूँ। ये टेबल की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 80 सेंटीमीटर है और उसकी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये जो बड़ा वाला शेल्फ है वहां से जमीन तक की ऊंचाई 94 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो छोटा वाला शेल्फ है वहां से नीचे तक की जो ऊंचाई है वो 106 सेंटीमीटर है। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टेबल कितना बड़ा होगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कि इस टेबल को आप बंद कैसे करेंगे। ये देखिए, बंद करने के लिए जैसे हमने आपको ये नीचे वाला हैंडल बताया था, उस हैंडल को आपको पकड़ के इसे सिर्फ पुश करना है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आप पीछे की तरफ पुश करेंगे और उसके बाद आप इसे ऐसे बंद कर सकते हैं, तो ये आसानी से एक जन से बंद हो जाएगा। हालांकि इसका वेट थोड़ा ज्यादा है क्योंकि इसमें आयरन के रॉड दिए गए हैं। चलिए अभी इस एमबीटीसी ब्रांड की ओर से आने वाली फोल्डिंग चेयर को हम अनबॉक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसे अनबॉक्स कर लिया है। ये ब्लैक कलर की चेयर हमने ऑर्डर की थी और ये छोटी साइज की चेयर है और ये भी एक फोल्डिंग चेयर है, तो आप इसे आसानी से कहीं पे भी रखना चाहते हैं तो फोल्ड करके रख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये फोल्ड हो जाएगी। तो वैसे तो ये नॉर्मल जो फोल्डिंग चेयर आती है वैसी ही है, और जिसमें यहाँ पे नीचे की तरफ फुटरेस्ट दिया गया है और उसके साथ साथ यहाँ पे मेटल की फ्रेम दी गई है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे सीट में ब्लैक कलर का कुशन दिया गया है और ऊपर बैक रेस्ट में भी यहाँ पे कुशन दिया गया है, तो ये एक अच्छी चीज दी गई है एमबीटीसी ब्रांड की ओर से। लेकिन ये चेयर छोटी साइज की चेयर है जो कि बड़े लोगों के लिए मेरे हिसाब से नहीं चलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसके डायमेंशंस बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप इसकी लंबाई देखेंगे तो ये 18 इंच है और ऐसे इसकी चौड़ाई देखेंगे तो ये 15 इंच है, और यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक इसकी ऊंचाई 31 इंच है। तो इस हिसाब से अगर आप गिने तो ये चेयर छोटे बच्चों के लिए सफिशियंट है, लेकिन बड़ों के लिए मैं इसे आपको रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये काफी छोटी साइज की चेयर है
और अगर 50 या 60 केजी से ज्यादा इस पे वेट आए तो शायद ये टूट भी सकती है। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आपके घर में कोई बच्चा है जो कि घर पे पढ़ाई के लिए इसे परचेस करना चाहता है तो ही आप इसे मंगवाइए। हालांकि इसकी कुशन की क्वालिटी काफी अच्छी है तो बच्चों को बैठने में तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वेट ये ज्यादा सहन नहीं कर पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आते हैं इस दोनों प्रोडक्ट के फाइनल रिव्यू पे। वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में ये डाउट है कि ये प्रोडक्ट आपके खरीदने लायक है कि नहीं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये फोल्डिंग टेबल और चेयर आपको जरूर खरीदने चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप इसे परचेस कीजिए। वो कंडीशन क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये फोल्डिंग टेबल बाकी सारी चीजों में काफी अच्छा है, लेकिन एक चीज मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, यहाँ पे ये जो कॉर्नर दिए गए हैं वो काफी शार्प है। तो अगर आप इसे छोटे बच्चों को देंगे तो ये कॉर्नर उसे लगने के चांसेस रहेंगे, तो ये चीज आप ध्यान रखें जब भी इसे परचेस करें। और दूसरी चीज, ये काफी भारी टेबल है अपने मेटल रॉड के कारण, तो इसीलिए अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह इसे ले जाना हो तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी बात करते हैं इस चेयर के बारे में। ये चेयर वैसे तो मुझे काफी अच्छी लगी, जिसका कुशन भी काफी अच्छा है, लेकिन ये चेयर काफी छोटी चेयर है, तो अगर आप अपने बच्चों को स्टडी के लिए इसे देना चाहते हैं तो जरूर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसे दीजिए। लेकिन अगर आप पर्सनल यूज के लिए ये चेयर मंगवाना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये काफी छोटी साइज की चेयर है और ये 60 केजी से ज्यादा वेट तो उठा सकती है, लेकिन इसके टूटने के चांसेस जरूर रहेंगे, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। इन सब कमियों को छोड़ के ये प्राइस पॉइंट में ये दोनों प्रोडक्ट नंबर वन है, तो मेरे हिसाब से तो प्राइस पॉइंट को ध्यान में रखे तो ये प्रोडक्ट आपको जरूर इस प्राइस पॉइंट पे बाय करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको क्रीनी फर्नीचर की ओर से आने वाला ये फोल्डिंग टेबल और एमबीटीसी ब्रांड की ओर से आने वाली ये चेयर का रिव्यू वीडियो पसंद आया है तो आप इसे एक लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही अलग अलग प्रोडक्ट के रिव्यू वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सुझाव है या प्रोडक्ट के बारे में अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर पूछ सकते हैं, हम जितना जल्दी हो सके आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी और नई प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।